students, today we'll be continuing chapter number 8 of science for standard 9 student. The name of the chapter is motion. In earlier session we have studied about distance time graph and how to calculate speed while using distance time graph. Today our topic for the discussion is velocity time graph, right? Aaj hum velocity time graph ke bare mein padhne wale hain. To basically sabse pehle point start hote hue bola variation in velocity with time of an object moving in a straight line can be known by velocity time graph. Matlab जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है समय के साथ, वेरिएशन मतलब चेंजेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो भी बदलाव आता है विद टाइम, एक यूनिफॉर्म मोशन में जब वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब फर्स्ट लाइन में इतना ही बोला है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है विद द टाइम एंड देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब बेसिकली आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है. देखो अब बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ध्यान दो. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम दे दिया है और वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लिया. तो देखो 1 4 2 3 जस्ट अ मिनट. ओके 1 2 3 एंड 4 मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड 4 आवर. और यहाँ पे वेलोसिटी देखो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, 30, 40, 50. अब यहाँ पे वेलोसिटी ना 40 किलोमीटर पर आवर है कॉन्स्टेंट, मतलब कितना भी टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी कितनी रह रही है 40 किलोमीटर पर आवर ही रह रही है. तो देखो मतलब जो 1 आवर था तो भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर में भी 40 किलोमीटर, 3 में भी 40 एंड 4 में भी 40. और जब मैंने डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर लिया तो ये मेरी एक स्लीपिंग लाइन बन गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई. तो जब यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मेरा यहाँ पे क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी. मतलब यहाँ पे अपने एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा और वाई एक्सिस पे दिखाया वेलोसिटी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिक, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम ले रही है, यूनिफॉर्म ले रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म ले रही है. तो इसलिए हाइट ऑफ द ये जो हाइट है ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी चेंज नहीं हो रही. देखो हाइट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो भी कांस्टेंट रही, ऐसे नहीं कहीं ऊपर कहीं नीचे. हाइट क्या है, ये हाइट हर जगह, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी इतनी हाइट है, यहाँ पे भी इतनी हाइट चेंज नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रही, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे अपनी जो लाइन बनी है दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, किससे पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. अब अगर हमको डिस्टेंस मूव बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 जानना है यूजिंग दिस फिगर, आपको ये फिगर से जानना है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया इन टाइम t1 एंड t2. देखो t1 मतलब मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग किया, t1 ये t2 मतलब t1 से t2 पहुंचते में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो अगर ये फिगर के थ्रू जानना है तो कैसे जानेंगे. सवाल समझ आ रहा है, अगर आपको जानना है ये फिगर के थ्रू के ऑब्जेक्ट ने t1 से t2 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कैसे जानोगे. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू पॉइंट t1 एंड t2. ये t1 से ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो और t2 से भी ऊपर परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे. क्लियर, ओके. अब वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है जो AC और BD से डिनोट किया, मैं इसको नेमिंग कर लेती हूँ. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D. अब यहाँ पे अपनी वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये अपन को डिनोट हो रहा है बाय पॉइंट AC एंड BD. AC का ये देखो, ये AC और ये BD, ये दोनों क्या बता रहे कि वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है. ये जो हाइट है वो हाइट क्या डिनोट करिए, वेलोसिटी डिनोट करिए. तो यहाँ पे AC और BD क्या दिखा रहे, वेलोसिटी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. और जो टाइम है वो AB बता रहा है, ये देखो AB, ये क्या बता रहा है, टाइम t2 माइनस t1. ठीक है, वो टाइम बता रहा है. ओके, तो अगर हमको डिस्टेंस पता करना है इन टाइम t2 माइनस t1, T2 से T1 के बीच में, मतलब T1 से T2 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया तो कैसे करेंगे. तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू S AC मल्टीप्लाई बाय CD. AC मतलब ये, AC मतलब ये क्या है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय CD. CD मतलब ये मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब AC मल्टीप्लाई बाय CD करा, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो अपन को डिस्टेंस पता चला, डिस्टेंस जानना है S इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय CD डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. AC कितना है, वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर. और ये CD कितना है, t2 माइनस t1. टाइम कितना ट्रैवल किया आपको नहीं पता तो आप t2 माइनस t1 ही लिखोगे, तो t2 माइनस t1.
तो यहाँ पे क्या आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ब्रैकेट t2 माइनस t1, ये आया इसका डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब ये जो पूरा एबीसीडी, ये पूरा अपना डिस्टेंस आ गया, एबीसीडी जो रेक्टेंगल शेडेड पोर्शन है वो पूरा एबीसीडी आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, मैं वापस एक बार बता रही हूँ, अपने आज का टॉपिक स्टार्ट किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अपन ने बोला एक ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो वेरिएशन आते हैं विद द टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपको एक पिक्चर में आई मीन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करी। उसके लिए अपन ने ये ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आई विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अपन ने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया दैट इज आवर्स, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया दैट इज किलोमीटर पर आवर। अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही बना बिकॉज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये इसकी जो हाइट है वो हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप इस पिक्चर के थ्रू कितना डिस्टेंस मूव किया t1 माइनस t2, मतलब t1 से t2 जाने में कितना डिस्टेंस मूव किया वो पता लगा सकते हो। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, t1 और t2 से परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब अपन को बोला है कि जो AC और BD वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है और AB और CD टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन को जाना है डिस्टेंस मूव, तो लिखा अपन ने AC मल्टीप्लाई बाय CD, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम नहीं पता तो t2 माइनस t1 लिख दिया। तो 40 t2 माइनस t1 अपना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल आ गया, मतलब दिस t2 माइनस t1, मतलब ये पूरा जो ABCD का पूरा रेक्टेंगल है पूरा अपना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। क्लियर हुआ? आप अपन पैटर्न वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर अपन को बनाने यूनिफॉर्म मोशन के ऑब्जेक्ट के, तो देखो पेज नंबर 105 में एक टेबल दी, वो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए। लेकिन आप टेबल पे ध्यान दो, अपन साथ साथ में समझते जाएं। देखो टेबल को देखो जरा, टाइम दिया हुआ है 0 सेकंड्स, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड्स एंड 30 सेकंड। फिर वेलोसिटी दिए, दो कॉलम्स दिए, कंफ्यूज मत होना, एक में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, दूसरे में किलोमीटर पर आवर में दिया। वो वेलोसिटी खाली उसका जो मेजरमेंट के यूनिट्स है वो बदल दिए, एक में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, दूसरे में किलोमीटर पर आवर में। देखो जब जीरो टाइम था तो 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 0 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और 2.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। अकॉर्डिंगली इसको अपन एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो आप मुझे जरा बताना, मैं एक्स एक्सिस पे क्या लू, एक्स एक्सिस पे अपन टाइम लेते हैं, ठीक है, बिकॉज टाइम ही तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लूंगी, वेलोसिटी यहाँ पे जो मैं लूंगी वो किलोमीटर पर आवर में लूंगी। तो देखो एक्स एक्सिस में 0 से लेके 30 तक का टाइम है, तो अपन 5-5 का गैप ले लेते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 एंड अप टू 25। वाई एक्सिस पे मुझे 0 से लेके 54 तक जाना है, तो व्हाट आई विल डू इज 0 से 54 जाने के लिए 10-10 का गैप लेना कन्वीनियंट होगा, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की, ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ले ली किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको जो प्लॉट करती गई, देखो जब 0 सेकंड था तो 0 वेलोसिटी, तो 0 और 0 यहाँ पे, फिर जब 5 सेकंड था तो 9 वेलोसिटी, ये 5 सेकंड्स और वेलोसिटी 9 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया। उसके बाद जब टाइम 10 तो वेलोसिटी 18, 10 मतलब यहाँ पे 18 मतलब 20 के यहाँ पे, जब वेलोसिटी 15 तो टाइम जब टाइम 15 तो वेलोसिटी 27, 15 पे यहाँ पे 27, जब वेलोसिटी 20 सॉरी जब टाइम 20 सेकंड तो वेलोसिटी 36, 20 पे यहाँ पे अराउंड 36, और जब वेलोसिटी 25 जब टाइम 25 तो वेलोसिटी 45, 25 पर अराउंड यहाँ पे 45 थोड़ा ऊपर आएगा, और जब 30 सेकंड्स था वेलोसिटी 54, 30 पे यहाँ पे अराउंड 54। ये सारे पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइन क्यों बनी, बिकॉज जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में इक्वल वेलोसिटी पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो हमेशा स्ट्रीट लाइन होता है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रीट लाइन होता है, वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ भी कैसा होता है, हमेशा स्ट्रीट लाइन। अब क्या इसकी मदद से आप डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हो जिसे अपन ने ऊपर निकाला? हाँ निकाल सकते। देखो अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो देखो ये ए
बी सी डी ई, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये पूरे का एरिया मुझे चाहिए, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना। कैसे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ देखो जरा, अपन ने क्या किया एग्जैक्टली मैं रब करके बता देती हूँ जो मैंने किया है। अपन ने यहां तक किया, अपन ने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T1 और T2 है, मतलब यहां से मैंने परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पे और ये T2 से परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बनाया मतलब 10 सेकंड में यहाँ पे कुछ 18 ट्रैवल किया था, तो यहाँ पे भी मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगी, और 20 सेकंड में कुछ 35 ट्रैवल किया था, 36 ट्रैवल किया था, तो ये यहाँ पे भी मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, और इसको मैं पूरा इसको कवर कर दूंगी, तो ये मेरा बन गया जो अपना पहले था। इसकी नेमिंग सिंबल कर दो ए बी, जस्ट अ मिनट, हाँ, ए बी सी डी ई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब अपन को ये डिस्टेंस निकालना है, पूरा एरिया चाहिए अपन को, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, तो उसके लिए पहले एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अगर मुझे पूरे का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस ट्राइंगल ए डी। रेक्टेंगल का एरिया कैसा होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी लेंथ इनटू ब्रेथ। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस स्क्वायर ए डी, हाइट के डी, हाफ ए डी इनटू डी। तो ये अपना आ गया डिस्टेंस ट्रेवल। एक्चुअली यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, तो जस्ट एक स्केलेटन फॉर्म में रफ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्लियर हुआ, समझो। वापस समझो, ये अपन को पूरा डिस्टेंस फाइंड करना था, तो अपन को एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या ए डी एंड हाइट क्या डी। तो ये अपने निकाल दिया। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब जब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो हमेशा इरेगुलर शेप का होता है, कोई भी शेप का हो सकता है। जैसे आप पेज नंबर पे आ जाओ 106 पे, फिगर 8.7 में ए और बी दो फिगर है, दिख रहा है। अब 8.7 का जो फिगर है उसमें कुछ अलग दिख रहा है। यूजुअली ऐसे ग्राफ होते हैं जैसे उल्टा ग्राफ है, उल्टा डॉटेड लाइन है। इसका मतलब ये हुआ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, इसलिए उल्टा बना है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ नहीं रही है और वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, इसलिए ये उल्टा बना है, उल्टा ग्राफ बना है। और जो फिगर टू है वो तो नॉन यूनिफॉर्म एकदम विदाउट यूनिफॉर्म मोशन मूव कर रहा है, इसलिए ऐसे ग्राफ मतलब कोई भी आड़े अवे शेप का बना है, क्लियर। तो बेसिकली अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूरा पढ़ा, अपन ने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कब बनाते हैं, फिर एक जब 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे कार मूव करे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से T1 से T2 मूव करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसका पूरा फॉर्मूला भी निकाला। फिर अपन एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना यूनिफॉर्म मोशन का, उसका भी डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी निकाला। और फिर अपन ने पढ़ा जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, क्लियर हुआ इतना, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पूरा अपन ने पढ़ा जहां पे 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, हाइट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज, इट हाइट बिल्कुल चेंज नहीं होगी, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एज यू कैन सी एक्स एक्सिस से पैरेलल है। यू नो द डिस्टेंस मूव बाय कार बिटवीन टाइम T1 एंड T2 यूजिंग फिगर, आप एक फिगर से डिस्टेंस कितना कार ने मूव किया फ्रॉम टाइम T1 टू T2 वो निकाल सकते हो। यहाँ पे फॉर दिस यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट T1 एंड T2, ये T1 और T2 से परपेंडिकुलर बनाना है जो अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया। फिर वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है जो AC और BD रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम है T2 माइनस T1 जो AB रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अपन यहाँ पे डिस्टेंस के लिए S इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय AD, AC 40 किलोमीटर, CD T2 माइनस T1, और ये अपना आया 40 T2 माइनस T1 डिस्टेंस। फिर अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया, अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन किया। फिर लास्ट में लिखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कोई भी शेप के लिए हो सकता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। एक बार इसके नोट्स बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. अपने वेलोसिटी का ग्राफ पूरा पढ़ लिया, अब अपन अलग अलग इक्वेशंस डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. बेसिकली तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये. सिर्फ ये चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, तीनों दोनों चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है. तो प्रॉपर अटेंशन यहाँ पे देना है. तीन इक्वेशन है, वो तीन इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे वो भी अपन समझेंगे. तीनों इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू कैसे डिराइव करेंगे. पहले तीन इक्वेशन कौन सी वो समझा देती है, बोर्ड पे ध्यान देखो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, जो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन को बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू क्या, यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन. फिर 2as v square minus u square, ये रिलेशन है बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी. ये आपको लर्न रखनी है तीन इक्वेशन. पहली इक्वेशन है v is equal to u plus at, जिसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. फिर s is equal to ut plus half at square, इसको पोजिशन टाइम रिलेशन. फिर 2as is equal to v square minus u square, रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी. ये तीन डेफिनेशन को अपन ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. क्लियर, पूरा ध्यान यहाँ पे. तीन इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. सबसे पहले जो इक्वेशन अपन डिराइव करेंगे वो है v is equal to u plus at, जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन. अब ये जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, मतलब v is equal to u plus at, इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो उस ग्राफ को बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखो यहाँ पे मैंने अब जस्ट अ मिनट, आई जस्ट स्किप्ड वन पॉइंट. ये जो इक्वेशन में अलग अलग क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो यहाँ पे u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, a मतलब होता है एक्सेलरेशन, t मतलब होता है टाइम और s मतलब होता है डिस्टेंस. क्लियर, ये जो तीनों इक्वेशन है उसमें जो v u वर्ड यूज किया, u लेटर यूज किया, उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है. जो v है वो फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो लास्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है. जो a है वो एक्सेलरेशन है, जो टाइम है वो, जो टी है वो टाइम है, और जो एस है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है. क्लियर, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे सॉल्व करते हैं. उसके लिए पहले एक पूरी ग्राफ बनाई हुई है. देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है. अब यहाँ पे वेलोसिटी यू है एट पॉइंट ए, मतलब देखो यहाँ पे पॉइंट ए पे वेलोसिटी यू है. यू मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी देखो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बढ़ती जा रही है और पहुंचती है पॉइंट बी. मतलब ये जो पॉइंट ए है वो इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट है, और जो पॉइंट बी है वो फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ पे बेसिकली देखो अपन ने इतना समझा अभी तक. फिर अपन ने पॉइंट बी से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो बी ई और बी सी. बी सी अपन ने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, और बी ई अपन ने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की. और क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ये एडी भी कंस्ट्रक्ट कर लो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. पहले जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो कर लेते हैं. अपन ने ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. अपन ने यहां से स्टार्ट किया वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते बी पे पहुंच गई, मतलब ए से वेलोसिटी कहां पे पहुंची, बी पे पहुंची. अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते हैं. पहले बी से दो लाइन कंस्ट्रक्ट करनी, एक बी सी कंस्ट्रक्ट करनी और एक बी ई कंस्ट्रक्ट करनी. बी सी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर और बी ई वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, और ये एडी भी कंस्ट्रक्ट कर लिया जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. क्लियर, चलो अब अपनी इनिशियल वेलोसिटी का क्या है. ये जो ओ ए है ना, ये अपनी स्टार्टिंग की वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी. ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. अभी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई, मतलब यहां से यहां तक पहुंच गई, यहां से यहां तक पहुंच गई. पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बड़ी वेलोसिटी, मतलब पहले वेलोसिटी इतनी थी ओ ए, और फिर इतनी हो गई, मतलब ओ बी. ओ ए से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई बी सी पे, सॉरी बी सी, ठीक है. तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ ए. इनिशियल वेलोसिटी को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू. और बी सी मेरी फाइनल वेलोसिटी है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी. क्लियर, ओके. अब ये जो अपन ने एडी पैरेलल बनाया, ओके. अभी जो ओसी है वो क्या, टाइम. ओसी टाइम है ऑब्वियसली, बिकॉज अपन टाइम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं. तो अभी तक इतना क्लियर हुआ, वापस समझा रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. ओके, अपन ने ग्राफ बनाया, ग्राफ में यहां से ए से चालू होकर बी पे पहुंचा. ये इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट थी फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इधर से इधर तक पहुंची. फिर आपने दो कंस्ट्रक्शन के, एक बी से सी बनाया और बी से ई बनाया. ये बी सी जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. और फिर अपने ए डी बनाया जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. फिर मैंने बोला पहले जो वेलोसिटी थी वो ओ ए थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ओ ए,
और फाइनल वेलोसिटी फिर ये हो गई, मतलब ये जैसे ही बढ़ा तो इधर से इधर फाइनल वेलोसिटी, तो ओ ए अपनी इनिशियल वेलोसिटी और ओसी अपनी सॉरी बीसी अपनी फाइनल वेलोसिटी, क्लियर, और टाइम टेकन ओसी, ये डिटेल्स क्लियर हुई। अब अपन इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं। चलो तो पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, मेरे साथ साथ एकदम अटेंटिव रहना। चलो अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो बीसी है इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। क्या लिखा मैंने, बीसी, बीसी मतलब क्या है, पूरा बीसी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, राइट ना। ये पूरा बी से लेके सी को मैं बी डी प्लस डी सी भी लिख सकती हूँ, मैंने पूरे बी सी को दो टुकड़ों में बांट दिया, बी डी प्लस डी सी, यस ठीक है। अब ये जो डी सी है इसके बदले मैं ओ ए भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ये जो डी सी इज इक्वल टू ओ ए का ही डिस्टेंस है, जितना डी सी उतना ओ ए, तो मैंने क्या करा खाली बी सी के बदले ओ ए लिख दिया। तो देखो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। अब जरा मुझे बताओ बी सी क्या है, बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, तो मैंने यहां पे लिख दिया वी, बी डी तो कुछ है नहीं, बी डी वैसा का वैसा आएगा, और ओ ए क्या है, ओ ए क्या था अपन ने पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल यू। तो अब मेरे को बी डी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यू को इधर सरका लूंगी, v इज इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू बी डी, वी माइनस यू इज इक्वल टू बी डी, अपनी एक इक्वेशन बन गई, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, अपनी एक इक्वेशन बन गई। वापस समझ रही, फर्स्ट स्टेप था पूरे डेरिवेशन का, अपन ने क्या करा, ये बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी लिख दिया, थोड़ा ब्लर लाइट है, क्लियर करिए, बी ये डी और ये सी, तो ये जो पूरा बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, सिर्फ एक लंबी सी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बी डी तो ठीक है, डी सी के बदले मैंने क्या लिख दिया, डी सी इज इक्वल टू ओ ए, ये जो डी सी है वो ओ ए का इक्वल होगा बिकॉज दोनों का सेम डिस्टेंस है, तो मैंने डी सी के बदले खाली ओ ए लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, बी सी, बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसको मैंने वी लिख दिया, और ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू लिख दिया, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी। अब स्टेप टू पे आते हैं, अब एक्सेलरेशन अपन ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, एक्सेलरेशन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये अपन पढ़ चुके, डोंट गेट कंफ्यूज, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम देगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब सवाल आता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, अब जो नेक्स्ट सवाल है वो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब बीडी, कैसे बीडी, आई होप क्लियर हो चुका होगा। जस्ट एक और बार, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये पूरा मेरा फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरा फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दूंगी, फाइनल वेलोसिटी क्या था बीसी, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये डीसी निकाल दो, तो कितना बचा, बीडी बचा ना, मतलब ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लूंगी, फाइनल वेलोसिटी कितना है बीसी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है ओए, ओए को मैं डीसी भी लिख सकती हूँ, तो जब बीसी माइनस डीसी गया तो कितना बचा बीडी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बीडी। ये ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रीजन, मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, वापस ध्यान दो अगर नहीं क्लियर हुआ। चलो मैं एक और थोड़ा डिटेल में इस चीज को समझा लू, चेंज इन वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है बीसी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है ओ ए। आप ये जो ओ है आप इसको डीसी भी लिख सकते हो, बिकॉज ओ ए और डीसी का मेजरमेंट सेम है, तो मैंने क्या करा बीसी माइनस ओ ए के बदले खाली रिप्लेस कर दिया डीसी। अब देखो बीसी में से डीसी गया तो कितना बचेगा, ये पूरा बीसी उसमें से डीसी निकाल दिया तो कितना बचा बीडी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है बीडी। अब एक्चुअली टेक्स्ट बुक में आपको ये नहीं समझाया डायरेक्टली बीडी लिख दिया, इसलिए मैंने आपको समझाया बीडी क्यों आया, क्लियर हुआ। मैं एक बार क्लियर अप कर देती हूँ बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, अगर आपको इस चीज को नोट डाउन करना है तो कर लेना टेक्स्ट बुक में साइड में। तो चेंज इन वेलोसिटी बीडी आया कैसे आया, मैंने आपको लॉजिक समझाया, टाइम टेकन
टाइम टेकन मतलब ये एडी, टाइम टेकन मतलब एडी। अब अपन ने क्या किया देखो, बीडी अपॉन एडी के बदले लिख दिया ओसी, ओसी भी तो टाइम टेकन है बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, एडी इज इक्वल टू ओसी, तो एडी के बदले ओसी, तो ए इज इक्वल टू बीडी अपॉन ओसी आया। क्या आया? ए इज इक्वल टू बीडी अपॉन ओसी, ओसी के बदले में टी लिख देती हूँ टाइम टेकन, ओसी के बदले में टी लिख देती हूँ टाइम टेकन। तो बीडी क्या हुआ, ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय टी, तो बीडी क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय टी, ए टी, बीडी क्या हो गया ए टी, समझे ना, बीडी चाहिए तो ए मल्टीप्लाई बाय टी, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, बीडी क्या हो गया ए टी, बीडी ए टी कैसे आया समझा। अब मैं बीडी की जो वैल्यू अपन ने सेकेंड इक्वेशन से डिराइव किया उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगी, जो बीडी की वैल्यू अपन ने सेकेंड इक्वेशन में डिराइव किया उसको फर्स्ट इक्वेशन में डालो। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बीडी इज इक्वल टू बी माइनस यू, बीडी के अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन एटी, तो बीडी के बदले मैंने लिखा एटी इज इक्वल टू बी माइनस यू, एटी इज इक्वल टू बी माइनस यू, क्या मुझे बी के फॉर्म में चाहिए तो एटी ठीक है माइनस यू उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस यू, प्लस यू इज इक्वल टू बी, मतलब बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही अपन को डिराइव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली लोगे ना तो कुछ पल्ले पड़ने नहीं वाला, पूरा ध्यान अटेंशन यहाँ पे, एक और बार समझा रही ध्यान देना अगर अच्छे से नहीं समझाओ तो। ओके तो बेसिकली अपना भी जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बाय ग्राफिकल मेथड है, तीन इक्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नहीं नेक्स्ट चैप्टर नहीं उसके भी नेक्स्ट चैप्टर तक काम आएगा। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जिसको पोजिशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, फिर टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो रिलेशन बेस बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी है। फिर अपन ने पढ़ा मैं आपको वेलोसिटी जो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी वो सॉल्व करना पूरा सिखा रही हूँ v इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। उसके लिए खाली ग्राफ बनाया हुआ है वो ध्यान रखना, अपनी टेक्स्ट बुक में ग्राफ है क्या है, यहाँ पे a से स्टार्ट हो रहा है a से b पे जा रहा है, तो a से वेलोसिटी b पे पहुंच रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है OA, फाइनल वेलोसिटी क्या है BC, इनिशियल वेलोसिटी क्या है OA और फाइनल वेलोसिटी क्या है BC, इतना ध्यान रखा। अब अपन करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो BC है इज इक्वल टू BD प्लस DC करा अपन ने, ये जो पूरा BC है वो क्या है BD प्लस DC। अब सेकेंड स्टेप पे अपने DC के बदले OA लिख दिया क्योंकि DC और OA इक्वल है, तो देखो यहाँ पे पहले अपना स्टार्ट हुआ BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, फिर DC के बदले क्या आ गया OA, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस OA। अब BC क्या है, ये पूरा BC क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो V लिखा, और OA क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके बदले यू लिख दिया, तो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ये ध्यान रखना ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है, बी डी फाइनल वेलोसिटी है, मैं ऐसी पाकिया नहीं बिठा रही है, लॉजिक है। यहाँ पे पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी, और वो बी तक पहुंच रहा है तो यहां से यहां तक उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बीडी लिख दिया, बीडी कैसे है मैंने आपको वो भी समझा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है बी सी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ओ ए, ओ ए के बदले में डी सी भी लिख सकती हूँ, तो बी सी माइनस डी सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी। तो बी डी डिवाइड बाय ए डी क्या है, ए डी मतलब ये टाइम टेकन, फिर ए डी के बदले ओ ए लिख दिया, ओ ए है टी, तो a इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीडी अपॉन टी, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी आ गया, मल्टीप्लाई गया उधर जाके। अब ये जो सेकंड पॉइंट है अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करा, देखो ये अपना है बीडी इज इक्वल टू ए टी, तो देखो यह था बी माइनस यू इज इक्वल टू बीडी, तो बीडी के बदले क्या लिख दिया ए टी, फिर बस इधर उधर अरेंजमेंट करा तो अपना आ गया बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, नेक्स्ट तो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बार अभी अपन ने तीन इक्वेशन उसको क्या बोलते हैं, बी को इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, यू को इनिशियल वेलोसिटी, ए को एक्सेलरेशन, टी को टाइम, एस को डिस्टेंस, और बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करना सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार बोर्ड से इसको गो थ्रू करो, अपन अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं और बाकी के इक्वेशन को नेक्स्ट सेशन में डिराइव करेंगे। ओके टिल देन गुड बाय।